हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज मैं डिस्कस करूंगा 13 जनवरी 2019 के करंट अफेयर, और ये वीडियो होगा हिंदी में। और आज मैंने बैंक अकाउंट्स पे दो वीडियोस अपलोड किए हैं, ओके, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कासा, राफा, वॉस्ट्रो, NRI अकाउंट, जितने भी अकाउंट हैं उन पर, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, सो प्लीज़ वॉच इट, ओके, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ वॉज इट, ओके। चलिए, मेरा नाम कुमार गौरव है और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द सेटअप ऑफ हाउ मेनी एम्स अंडर PMSSY इन जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। तो PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत कितने एम्स खोलने को मंजूरी दी गई है? तो ये 3 एम्स खोले जाएंगे इस योजना के तहत, और जिसमें से 2 खोले जाएंगे जम्मू और कश्मीर में और 1 खोला जाएगा गुजरात में। और 2 में से 1 जो होगा वो होगा जम्मू में, यानी सांबा सेक्टर जम्मू, और दूसरा होगा पुलवामा कश्मीर में, ओके। और गुजरात में जो एम्स खोला जाएगा वो खोला जाएगा राजकोट में, राजकोट। कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर फॉर विच यूनिवर्सिटी, यानी कुलपति, ओके। तो इस पोस्ट के क्रिएशन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है, तो यह किस यूनिवर्सिटी के लिए है? तो यह है NRTI के लिए। NRTI यह है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, ओके, ऑफ इंडिया, और ये है बड़ोदरा में, बड़ोदरा, ओके, जो कि है गुजरात में, ओके। तो इसके वाइस चांसलर के पोस्ट का अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट से। और NIBM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, और ये है पुणे में, ओके, तो आप याद रखेंगे। और बड़ोदरा में ही एक बैंक है हमारा, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर है। कमेंट करके बताएं वो कौन सा बैंक है। फोर्थ काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन वाज हेल्ड इन, तो फोर्थ काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, ये जो मीटिंग हुई है चौथी, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। और ये जो CTDP है, काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, इसका क्रिएशन हुआ था 2015 में, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, और जो हैं अभी सुरेश प्रभु, ठीक है। और सुरेश प्रभु हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। और सिविल एविएशन मिनिस्टर और फिक्की दोनों मिल के मुंबई में ग्लोबल एविएशन समिट ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं, जो कि चलेगा 15-16 जनवरी को, तो आप याद रखेंगे। वन डे ग्लोबल स्किल समिट विद द एम टू प्रोवाइड 1 लाख जॉब्स टू यूथ वॉज हेल्ड इन विच स्टेट, तो एक दिन का जो ग्लोबल स्किल समिट हुआ है ये कौन से स्टेट में हुआ है, ओके, तो ये हुआ था झारखंड में, ओके, और झारखंड की कैपिटल है रांची, ओके, सो देयर इज सम मिस्टेक, ओके, सो ये रांची में हुआ था, झारखंड में हुआ था। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं, ओके, पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर है यूनियन के, तो भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इस जो ये जो समिट हुआ था इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो थी झारखंड की गवर्नर, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ओके। विच स्टेट हैड अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस UBI इन द स्टेट, तो UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये इंट्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट किस स्टेट ने किया है? और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये पहला स्टेट होगा भारत का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लॉन्च होगा, ठीक है, भारत में। तो ये किया गया है सिक्किम के द्वारा। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक, और सिक्किम के CM हैं पवन कुमार चामलिंग, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, ओके। और ये टारगेट है 2022 तक करने का, ओके। और सिक्किम में है कांगचेन दोंजा नेशनल पार्क, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि है फ्रांस में, और यूनेस्को की हेड है ऑड्रे अजौले। विच स्टेट विड्रॉज जनरल कंसेंट अकॉर्डेड टू द CBI टू प्रूव केसेज इन द स्टेट, तो किस स्टेट ने CBI को आप कह सकते हैं कि बैन लगा दिया है कि वो उस स्टेट में अपना जांच नहीं कर सकते हैं। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके, और
ये स्टेट है छत्तीसगढ़, ये राज्य है छत्तीसगढ़, और ये तीसरा ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है। इससे पहले वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ने भी सीबीआई को बैन कर दिया है अपने स्टेट में काम करने से, अपने स्टेट में जांच करने से। ओके, और छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। ओके, और छत्तीसगढ़ में ही जो कैपिटल है नया रायपुर, इसी का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है, अटल नगर, आप याद रखेंगे। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो इंटरिम डायरेक्टर बने हैं, अंतरिम डायरेक्टर, वो बने हैं नागेश्वर राव। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज रैंक इन ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018? सो ईआईयू स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, और इसने एक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है जिसमें जो भारत का रैंक है वो है 42वां, 42, और यूएसए का रैंक है 21वां। ओके, विच कंट्री टॉप्ड द ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018? तो इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है, तो इस इंडेक्स में टॉप पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है आइसलैंड जिसका कैपिटल रेक्जविक, और तीसरे नंबर पे है स्वीडन जिसका कैपिटल है स्टॉकहोम, और चौथे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और पांचवें नंबर पे है डेनमार्क जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर हैं एरना सोलबर्ग, को भारत के विजिट पे थी, और रायसीना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में जिसका इनोग्रेशन हुआ है उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। आर्मी ईयर डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आर्मी ईयर डिफेंस डे सेलिब्रेट हुआ है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, और 10 जनवरी को ही वर्ल्ड हिंदी डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। ओके, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, और 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, एनआरआई डे। ओके, और इस आर्मी ईयर डिफेंस डे का जो थीम था वो था आकाशे शत्रुन जही, जिसका मतलब होता है किल द एनिमी इन द स्काई। ओके, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो उसी तरह ही है किल द एनिमी इन द स्काई। एल्बी मोर्कल हु हैड अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? सो एल्बी मोर्कल एक ऑलराउंडर थे, और इनको आपने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए भी देखा होगा, तो ये थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के थे, और इन्होंने अब अपना संन्यास का घोषणा कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की बात आई है तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा, और साइरिल रामाफोसा ही 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे में हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। ओके, इसरो हैड अनाउंस्ड देयर फर्स्ट मैन मिशन टू आउटर स्पेस बाय, तो इसरो ने अनाउंस किया है कि गगनयान मिशन के पहले, यानी जो गगनयान मिशन जो शेड्यूल्ड है 2022 में, तो उससे पहले तीन मैंड मिशन वो भेजेगा आउटर स्पेस में। तो ये जो पहला है फर्स्ट मैंड मिशन, इसको गगनयान 1 भी कहा जाएगा, तो ये शेड्यूल्ड है दिसंबर 2021 में, ठीक है, दिसंबर 2021 में। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया का स्पेस एजेंसी है, और इसरो के चेयरमैन है के सिवान। सु सेंग चांग अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सु सेंग चांग किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ताइवान के प्रधानमंत्री, ताइवान के प्रधानमंत्री। ओके, अगर लेटेस्ट की बात करते हैं तो वेनेजुएला के दूसरे बार प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं निकोलस मडरो, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं शेख हसीना, तो आप याद रखेंगे। और ताइवान की बात आई है तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी, टाइपी, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। ओके, हु इज अवार्डेड ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ICSI इन मुंबई? सो ICSI जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो इसका गोल्डन जुबली यानी 50th ईयर हुआ, इसका सेलिब्रेशन हुआ था जो कि हुआ मुंबई में, और यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आदि गोदरेज को, आदि गोदरेज को जो कि गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है। ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी विल एक्सेलरेट टू हाउ मच परसेंट इन 2019-20? तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 2019-20 में कितने परसेंट से एक्सेलरेट करेगी? तो ये करेगी 7.5% से, 7.5% से। बात आई है वर्ल्ड बैंक की,
तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा का ऐलान कर दिया है, और इनका इस्तीफा फोर्स आएगा 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 से। और इसके बाद जो सीईओ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो इसकी एक्टिंग प्रेसिडेंट होगी, या कह सकते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट होंगी। हु ब्रेक्स बिशन सिंह बेदीज रिकॉर्ड, 44-year-old रिकॉर्ड इन रणजी ट्रॉफी। तो बिशन सिंह बेदी के 44 साल पुराने रिकॉर्ड को रणजी ट्रॉफी में किसने तोड़ा है? तो ये तोड़े हैं आशुतोष अमन। आशुतोष अमन ये बिहार के हैं। विच कंट्री इज डेवलपिंग एन एडवांस्ड कॉम्पैक्ट साइज रडार फॉर द नेवी विच कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट सर्विलियंस ओवर एन एरिया ऑफ द साइज ऑफ इंडिया। तो किस देश, कौन सा देश है जो एक रडार बना रहा है नेवी के लिए, ठीक है, जिससे भारत की साइज इतना एरिया वो हमेशा सर्वेलियंस पे रख सकता है, ओके, उस पर नज़र रख सकता है? तो ये देश है हमारा पड़ोसी जो है चाइना, चाइना, ओके। और चाइना के कैपिटल है बीजिंग, और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एमपी बेजबरुआ हैज़ रिफ्यूज टू हेड द 9-member पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू यूनियन होम मिनिस्ट्री बाय द होम मिनिस्ट्री टू सजेस्ट वेज टू इम्प्लीमेंट विच क्लॉज ऑफ द असम अकॉर्ड। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, ओके, क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। और इसके जो, इसके लिए जो मेंबर, जो पैनल गठित की गई थी, इसके हेड बनाए गए थे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट नौकरशाह एमपी बेजबरुआ, बट ही हैज़ रिफ्यूज्ड, इन्होंने मना कर दिया है, ओके, और अब इस कमेटी के हेड को ये हेड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। RBI had slapped ₹3 crore penalty on Citibank India for not complying with the direction regarding fit and proper criteria for bank directors. Where is the headquarters of Citibank? तो Citibank एक foreign bank है, ओके, और जो foreign bank है उसका जो इंडिया में ब्रांच है Citibank का, ओके, उस पर RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 crore का फाइन किया है, क्योंकि जो बैंक डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया अपनाना था, यह बैंक उसको नहीं अपना रहा था, ओके, जो क्राइटेरिया अपनाना होता है वो नहीं अपना रहा था। तो इसके लिए 3 crore की पेनल्टी की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और RBI गवर्नर है शक्तिकांता दास, ओके। तो हेडक्वार्टर ऑफ सिटी बैंक, तो सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, ओके, न्यूयॉर्क USA में। और सिटी बैंक का जो टैगलाइन है वो है सिटी नेवर स्लिप्स, सिटी नेवर स्लिप्स, ये US बैंक बेस्ड बैंक है, ओके। हु गॉट अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक जो कि चौथा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, PSB है, ठीक है, और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज, ओके। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं, ये बने हैं ब्रह्मदत्त, और CEO हैं यस बैंक के राणा कपूर और आर चंद्रशेखर इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, बट ही हैज़ रिजाइंड, ये अब नहीं है, ये रिज़ाइन कर चुके हैं। और संदीप बख्शी ये CMD हैं ICICI बैंक के, ठीक है, ICICI बैंक के CMD हैं। हु रिजाइंड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? और ये ही टेरी के भी चेयरमैन थे, टेरी यानी द एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो ये हैं अशोक चावला। ये CCI के भी हेड रह चुके हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, ओके, तो आप याद रखेंगे। और ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं भारत के, ओके। आलोक वर्मा ये फॉर्मर CBI डायरेक्टर हैं, और इनको हटा दिया गया है, और इन्होंने अब अपने सर्विस से ही इस्तीफा दे दिया है, ओके। ही वॉज अपॉइंटेड एज DG ऑफ फायर, ओके, बट ही हैज डिक्लाइंड दैट पोस्ट, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और राजीव महर्षि ये भारत के CAG हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेशनल यूथ डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of January एवरी ईयर इज टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं, ये किसके बर्थ एनिवर्सरी को, किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन? तो ये करते हैं हम स्वामी विवेकानंद,
स्वामी विवेकानंद, और 12 जनवरी 2019 जो हम लोग नेशनल यूथ डे 2019 का मना रहे हैं या मनाएंगे, ये इनका 156वां बर्थ एनिवर्सरी होगा, 156। ओके, और अटल बिहारी वाजपेयी के जो का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है 25 दिसंबर, उस दिन हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मेमोरियल है जो दिल्ली में स्थित है, उसको उसका नाम है सदैव अटल, सदैव अटल। तो ये था आज का करेंट अफेयर। आई होप यू हैड लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज दैट। ओके, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।